शिवपुरी कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर न्यायालय से बाहर निकलते ही एक युवक के साथ कुछ लोगों ने पकड़कर मारपीट करते हुए सिटी कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। युवक को दबोचे हुए लोगों ने बताया कि उक्त युवक ने परिवार के एक लड़की को गायब कर दिया है। जानकारी के अनुसार शिवपुरी शहर की करौंदी कॉलोनी का रहने वाला वीरेन जोशी आज कोर्ट मैरिज करने के लिए ग्वालियर की एक युवती को भगाकर शिवपुरी लेकर आया था। इसी दौरान जब वीरेन जोशी कोर्ट मैरिज करने के बाद न्यायालय से बाहर निकला तो ठकुरपुरा निवासी गणपत जाटव और उसके परिजनों ने वीरेन जोशी को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे सिटी कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। गणपत जाटव का कहना है कि वीरेन जोशी ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता है। वह अक्सर उसके भाई जितेंद्र को अपने साथ ले जाया करता था। ढाई महीने पहले दीपावली की दोज में वीरेंद्र उसके भाई जितेंद्र को अपने साथ मुंबई की कहकर ले गया था। इसके बाद जितेंद्र का कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। जब वीरेंद्र से संपर्क करना चाहा तो वीरेंद्र भी भाई के लापता होने के बाद से उन्हें नहीं मिला। आज वीरेंद्र का सुराग लगा था कि वह कोर्ट में शादी करने पहुंचने वाला है, इसलिए आज परिवार के सदस्यों ने वीरेंद्र को कोर्ट के बाहर से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वीरेंद्र का कहना है कि जितेंद्र ट्रक में बैठकर उसके साथ मुंबई गया था, परंतु मुंबई से वह लापता हो गया था। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अमित भदौरिया का कहना है कि वीरेंद्र जोशी और जितेंद्र जाटव के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। मेरे भैया को पकड़ के ले गया, 3 महीने हो गए। कौन? अल्लू जोशी। हां रे दाई, ये करौंदी। कब ले गया था ये? दोज के दिन ले गया, 27 तारीख। कैसे? ये नशे में ले गया, दारू मारू पिला के। कहाँ पे? गाड़ी पे चल रहे हैं बम्बई। बम्बई ले गए। रिपोर्ट वगैरह डाली? इतना पता है बस। तो मिला नहीं आपका भाई? अभी नहीं मिला। फिर आप रोड पे कैसे आए? ये लड़की को लेके आया कोई भगा के। कोई लड़की को? फिर जी उसने शादी कर ली। आपको सूचना कैसे मिली? हमको सूचना मिल गई, हम एक दोस्त से उसने दी।